दोस्तों आज गुल्ली बुल्ली अपने जीप को रिपेयर कर रहे हैं क्योंकि पिछली बार जेसन ने जीप को ठोक के खराब कर दिया था। पिछले दो दिन तो जीप ठीक से चली लेकिन फिर तीसरे दिन ही जीप बंद हो गई, इसलिए ये दोनों लगे हुए हैं जीप को रिपेयर करने में। गुल्ली जीप को बाहर से देख रहा है और बुल्ली नीचे जीप के अंदर घुस के रिपेयर कर रहा है। तभी गुल्ली बोलता है कि बुल्ली जीप को अच्छे से रिपेयर करो और जो तुम्हारे बगल में जो बोल्ट है उसे अच्छे से लगाकर टाइट करो क्योंकि वो बोल्ट इंजन का है और वो बोल्ट अगर ठीक से नहीं लगा तो पेट्रोल लीक करने लगेगा। बुल्ली की बातें को सुनकर बुल्ली अच्छे से बोल्ट को लगाने लगता है। लेकिन ये क्या, मिस्टर मीट की ट्रक गुल्ली बुल्ली के घर में क्या कर रही है? असल में मिस्टर मीट और जेसन जिंदा तो है नहीं, अब दोनों मर चुके हैं और गुल्ली बुल्ली अपनी जीप की भरपाई के लिए उसके ट्रक को ही अपने घर में रख लिए हैं और तब से मिस्टर मीट का घर और ट्रक दोनों गुल्ली बुल्ली के पास है। गुल्ली बुल्ली अपनी जीप को रिपेयर कर ही रहे होते हैं तभी वहां पर सोन अपनी खटारा स्कूटर के साथ आ जाता है। शायद सोन को मिस्टर मीट के घर से भी कुछ हिस्सा लेना होगा, तभी तो इतनी रात को सोन गुल्ली बुल्ली के घर आया है। सोन अपनी स्कूटर को गुल्ली बुल्ली के घर की तरफ मोड़ता है और अंदर जाके स्कूटर को रोक देता है। उसके बाद सोन वहां पर स्कूटर से उतरता है और स्कूटर को खड़ा करने के बाद सोन गुल्ली बुल्ली के पास जाने लगता है। गुल्ली के पास पहुंचते ही सोन गुल्ली को घूरने लगता है। गुल्ली सोन को बोलता है कि सोन इतनी रात को तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, ऐसी भी तुम्हें क्या इमरजेंसी पड़ गई कि तुम्हें यहाँ तक आना पड़ा? और ये सुनकर सोन बोलता है कि नहीं गुल्ली, मुझे कोई इमरजेंसी नहीं पड़ी है, मैं तो बस तुमसे ये पूछने के लिए आया था कि क्या तुम मिस्टर मीट के कवाड़े घर को बेचना चाहते हो, क्योंकि मुझे एक बायर मिला है जिसे एक पुराना घर चाहिए और मैंने उसे बोला है कि हमारे पास एक पुराना घर है और वो उसे खरीदने के लिए भी तैयार है और अच्छे पैसे भी दे रहा है, तुम बोलो अगर तुम्हें बेचना है तो बताओ। ये सुनकर गुल्ली बोलता है कि अरे सोन, इतने अच्छे ऑफर को मैं मना कैसे कर सकता हूँ, बेच दो, वो घर ऐसे भी हमारे कोई काम का नहीं है, इससे अच्छा होगा कि हम उसे बेच ही दें, इस बहाने हमें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। पहले तो तुम ये बताओ कि वो कितने पैसे देने के लिए तैयार है। सोन बोलता है कि वो मिस्टर मीट के घर का 1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है और वो मुझे अपने घर बुलाया है, तुम भी चलो मेरे साथ। गुल्ली सोन को बोलता है कि ठीक है चलो, लेकिन रुको मैं पहले बुल्ली को भी बता देता हूँ। उसके बाद गुल्ली बुल्ली से बोलता है कि बुल्ली मैं सोन के साथ जा रहा हूँ मिस्टर मीट के घर को बेचने के लिए, इसलिए तुम घर के अंदर जाओ, जीप को हम बाद में रिपेयरिंग शॉप में ले जाकर जीप को अच्छे तरीके से रिपेयर करा लेंगे। उसके बाद गुल्ली सोन के स्कूटर में बैठ के वहां से निकल जाता है। और इधर बुल्ली भी जीप का काम छोड़कर घर के अंदर चला जाता है। बुल्ली ये सोच रहा है कि चलो अब थोड़ा आराम करने को मिलेगा। और इधर सोन स्कूटर को बहुत ही तेज चला रहा है। गुल्ली बोलता है कि सोन स्कूटर को इतनी तेज मत चलाओ नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन सोन गुल्ली की जड़ा भी बात नहीं मानता और स्कूटर को तेज चलाता ही रहता है। तभी सोन स्कूटर को सुनसान जंगल में लेकर जाता है। जंगल का रास्ता काफी ज्यादा भयानक लग रहा है क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ अंधेरा है और दूर दूर तक कोई भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा, शायद ही ऐसे डरावने जंगल में कोई रहता होगा। और स्कूटर को वहीं पर रोक देता है। तभी दोनों स्कूटर से उतरते हैं और आसपास दोनों देखने लगते हैं। तभी सोन को एक घर दिखता है और फिर सोन गुल्ली को लेकर उस घर में जाने लगता है। गुल्ली सोन के साथ जाते हुए बोलता है कि सोन ये बायर इतनी सुनसान जगह पर रहता है और इसका घर भी काफी ज्यादा पुराना लग रहा है, सोन मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, चलो वापस चलते हैं। सोन गुल्ली की बात को टाल देता है और सोन बोलता है कि डरो मत गुल्ली, ये उसी बायर का घर है, उसने मुझे वीडियो कॉल भी किया था, तुम टेंशन मत लो, तुम चलो घर के अंदर। और इसके बाद ये दोनों उस घर के पास जाने लगते हैं। घर के पास आते ही दोनों उस बायर को इधर उधर देखने लगते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता कि इस घर का मालिक पहले से ही मर चुका है
और उस घर के मालिक का डेड बॉडी उस पेड़ पर लटका हुआ है। इस डेड बॉडी को देखकर लगता है कि किसी ने इसे बहुत बेरहमी से मारा है, लेकिन ऐसा कौन कर सकता है। गुल्ली सोन से बोलता है कि सोन, मुझे लगता है कि हमें किसी ने बेवकूफ बनाया है। अगर उसे घर खरीदना होता तो यहाँ पर मौजूद होता। तभी सोन गुल्ली से बोलता है कि गुल्ली, तुम शायद ठीक ही कह रहे हो, शायद वो पैसे देने की डर से यहाँ से भाग चुका है। चलो यहाँ से चलते हैं। ये दोनों वहाँ से जा ही रहे होते हैं। तभी इन लोगों को कुछ दिखाई देता है और वो उस चीज को देख कर बहुत ही जरा डर जाते हैं। अरे ये क्या, ये कौन है? ये तो बिल्कुल दिखने में सिलेंडर मैन जैसा लग रहा है, लेकिन इसका नाम है ब्लेंडर मैन। ये सिलेंडर मैन का भाई है। लगता है ब्लेंडर मैन इन लोगों से अपना भाई सिलेंडर मैन की मौत का बदला लेना चाहता है, क्योंकि गुल्ली और गुल्ली ने ही ब्लेंडर मैन को बाबा की मदद लेकर मरवाया था। ब्लेंडर मैन को देख कर गुल्ली और शॉन भी हैरान हैं और इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये कौन है। शॉन को तो ये देखने में सिलेंडर मैन जैसा लग रहा है, लेकिन तभी जिसका डर था वही हुआ। ब्लेंडर मैन ने उन दोनों को देख लिया है और वो उन लोगों को मारने के लिए इनके पास आने लगा। ब्लेंडर मैन तो बहुत गुस्से में लग रहा है। लगता है कि अब ये गुल्ली और शॉन को जान से मारकर ही दम लेगा। ब्लेंडर मैन को अपने पास आता देखकर गुल्ली वहां से भागने लगा और शॉन भी उनके पीछे पीछे भागने लगा। शॉन को तो कुछ ज्यादा ही डर लग रहा है, जिसकी वजह से वो तेज नहीं भाग पा रहा है। कहीं ये भागते भागते पोटी ना छोड़ दे, क्योंकि शॉन की पोटी की बदबू बहुत तेज होती है। अगर वो किसी के भी मुंह के पास हो तो वो आदमी बेहोश हो जाता है। गुल्ली भागता हुआ कहीं छुपने की जगह ढूंढने लगा और शॉन भी गुल्ली के साथ छुपना चाहता है, लेकिन तभी उन दोनों को रुकना पड़ा और गुल्ली देखता है कि ब्लेंडर मैन तो नदी में उतर गया है और उनके पास ही आ रहा है। और दूसरी तरफ शॉन देखता है कि कोई सड़ी हुई मेल डेड बॉडी पेड़ से छलांग लगाकर चलते हुए उन लोगों के पास ही आ रही है और वो देखने में बहुत ज़्यादा डरावना दिख रहा है। और अब ये दोनों हर तरफ से घिरे हुए हैं। अब इनके पास जंगल के अंदर जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, लेकिन जंगल में खून खुआर जंगली जानवर भी हो सकते हैं जो इन्हें मारकर कच्चा ही खा जाएंगे। और इधर गुल्ली भी ये सोचकर परेशान हो रहा है कि आखिर अभी तक गुल्ली और शॉन आए क्यों नहीं, इतना टाइम थोड़ी लगता है घर बेचने में। ये सोचते हुए गुल्ली घर के बाहर आता है और मन ही मन में सोचता है कि उन दोनों को गए हुए एक घंटा हो चुका है, अभी तक वो दोनों वापिस नहीं आए। कहीं वो दोनों किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए हैं। और इसके बाद गुल्ली फैसला करता है कि पहले बाबा के घर जाएगा और बाबा के साथ मिलकर गुल्ली और शॉन को ढूंढेगा। इसके बाद गुल्ली गुल्ली और शॉन को ढूंढने के लिए बाबा के घर के तरफ पैदल ही जाने लगता है, क्योंकि उसकी जीप तो अभी खराब हो चुकी है और बाबा के पास बाइक है। और वही दूसरी तरफ शॉन को ब्लेंडर मैन ने पकड़ लिया है और वो शॉन को पकड़कर जोर जोर से हंस रहा है। ये सब देखकर गुल्ली बहुत ज्यादा डर जाता है और अगर उसे अपनी जान बचानी है तो उसे जंगल की तरफ जाना ही होगा। जंगल में जाने के अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, लेकिन जंगल में जंगली जानवर भी हो सकते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद गुल्ली फैसला करता है कि वो जंगल में जाएगा और इसके बाद गुल्ली जंगल की तरफ बढ़ने लगता है। गुल्ली को भागता देखकर उस डेड बॉडी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुल्ली को पकड़ने के लिए दौड़ लगा देता है। थोड़ी देर बाद वो आदमी एक ऊंची छलांग लगाता है और गुल्ली का एक पैर पकड़ लेता है, जिसके वजह से गुल्ली वहीं पर गिर जाता है। गुल्ली उस आदमी से अपनी पैर छोड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी उसका पैर छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। और तभी गुल्ली उससे कहता है, छोड़ रे कोड़िया, हमारा जाई दे रे, तो अच्छा ना होता हूँ, कोड़ी फूटता हूँ। ये सुनकर वो आदमी बोलता है, जानी हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, आज तुम्हारा आखिरी दिन है और हम तुम्हें लेकर ही जाएंगे। गुल्ली बोलता है, कहाँ लेके जाइबे हमका। तभी वो आदमी बोलता है, जानी तुम्हें तो हम नर्क में ले जाएंगे और वहाँ पे तुम्हारी चमड़ी उधेड़ कर पोछा बना देंगे। गुल्ली बोलता है, छोड़ दे कि नर कोढ़िया, ले अब हम तेरा छुले तेरा भूत निकले।
एक लात पड़ते ही वो दूर जाकर फेंका जाता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। ये देखकर गुल्ली को राहत मिलती है और वो वहाँ से दुमदुमाकर भाग जाता है। और अब ये रुकने वाला नहीं है, चाहे इसके सामने कोई जानवर ही क्यों ना आ जाए। गुल्ली को भागता देखकर ब्लेंडर मैन भी छलांग लगा देता है और वो ऊपर आ जाता है। और तभी उसे काफी तेज गुस्सा आता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी ब्लेंडर मैन मन ही मन बोलता है, नहीं बचेगा रे, तू नहीं बचेगा, मेरा एक दोस्त आता ही होगा, देखता हूँ तू कहाँ तक भागता है। और इधर गुल्ली बाबा के घर पर पहुँचने ही वाला है और थोड़ी ही देर में गुल्ली बाबा के घर के पास पहुँच ही जाता है। घर के पास आते ही गुल्ली बाबा के पास जाता है। वो देखता है कि बाबा घर के बाहर आग जलाकर ध्यान लगाए हुए हैं। गुल्ली सोचता है कि बाबा को ध्यान से उठाना ठीक नहीं होगा। तभी बाबा को पता चल जाता है कि गुल्ली सामने खड़ा हुआ है। और तभी बाबा उठकर खड़े हो जाते हैं। और तभी बाबा गुल्ली से पूछते हैं कि क्या हुआ गुल्ली, तुम आधी रात को 12 बजे यहाँ पर क्या करने आए हो, तुम्हें मुझसे कोई काम है क्या या फिर ऐसे ही आए हो, और गुल्ली और सोन कहाँ पर है, वो दोनों ठीक तो है। ये सुनकर गुल्ली बाबा को सारी बातें बता देता है। गुल्ली और सोन को मिस्टर मीट का घर खरीदने के लिए एक बायर मिला था और वो दोनों घर को बेचने के लिए गए हुए हैं। और अभी 3 घंटा हो चुका है लेकिन वो लोग अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं। मुझे आपकी मदद चाहिए, उन लोगों ने कहा था कि वो दोनों 1 घंटे में आ जाएंगे। गुल्ली की बात सुनकर बाबा बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो तुमने उन्हें ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की और तुम यहाँ पर पैदल क्यों आए हो, जीप नहीं थी क्या। गुल्ली बोलता है कि नहीं बाबा, जीप मेरे पास ही है लेकिन वो अभी खराब हुआ है। गुल्ली और सोन को ढूंढने के लिए मुझे जीप की जरूरत थी, इसलिए आप मेरे साथ चलिए गुल्ली और सोन को ढूंढने के लिए। ये सुनकर बाबा बोलते हैं कि ठीक है, तुम मेरे बाइक पे बैठ जाओ, हम यहाँ से निकलते हैं, लेकिन तुम पेट्रोल भरा देना कभी, क्योंकि पेट्रोल काफी ज्यादा महंगा हो गया है, तेल भराते भराते मेरा ही तेल निकल चुका है। और इसके बाद बाबा बाइक पर गुल्ली के साथ बैठ जाते हैं और फिर वो बाइक को स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाते हैं। बाबा अपनी बाइक को काफी ज्यादा स्पीड में भागा रहे होते हैं और जल्दबाजी में बाबा अपने घर के बाहर जलाए हुए आग को बुझाना ही भूल जाते हैं। और इधर गुल्ली भागते भागते काफी दूर तक आ चुका है और वो जंगल में पहुंच चुका है और उसे काफी ज्यादा डर भी लग रहा है कि कहीं उस पर कोई जंगली जानवर हमला ना कर दे। और उसे इस बात की खुशी भी है कि वो ब्लेंडर मैन से बचकर भाग चुका है और अब वो सीधा बाबा के पास जाएगा। लेकिन तभी गुल्ली को कुछ दिखाई देता है और उसकी सारी खुशी गम में बदल जाती है। अरे ये क्या, ये कौन है, ये तो कोई किलर लग रहा है। अरे याद आया, ये तो जेब द किलर है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है, कहीं ये गुल्ली को मारने तो नहीं आया है। मुझे तो ये लग रहा है कि ये ब्लेंडर मैन का वो दोस्त है, इसको ब्लेंडर मैन ने बुलाया था। गुल्ली जेब द किलर को सामने देखकर काफी ज्यादा डर चुका है और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करे। लेकिन तभी जेब द किलर गुल्ली के पीछे आने लगता है और उसे दौड़ा देता है। ये देखकर गुल्ली का फटके हाथ में आ जाता है और वो भी वहाँ से भागने लगता है क्योंकि उसे पता है कि जेफ उसे मार देगा। और जेफ के एक हाथ में खंजर है जिससे वो सबको मारता है। और वहीं दूसरी तरफ बाबा और गुल्ली बाइक से मिस्टर मीट के घर की तरफ पहुंच चुके हैं। और फिर बाबा बाइक को मिस्टर मीट के घर के सामने रोकते हैं और घर देखने लगते हैं क्योंकि इन्हें पता नहीं है कि गुल्ली और सोन तो जंगल में है। और तभी बाबा बोलते हैं, अरे बेटा गुल्ली, यहाँ पे तो कोई भी नहीं दिख रहा, तुम्हें सही से याद तो है कि यही मिस्टर मीट का घर है। ये सुनकर गुल्ली बोलता है कि बाबा मुझे याद है, यही मिस्टर मीट का घर है और पता नहीं गुल्ली और सोन कहाँ पर है। बाबा आप एक बार अपनी शक्तियों से गुल्ली और सोन को ढूंढने की कोशिश तो करिए, क्या पता वो दोनों आपको मिल जाए। बाबा बोलते हैं कि ठीक है गुल्ली, मैं अभी अपनी शक्तियों से वो दोनों का पता लगाता हूँ, तुम बस शांति बनाए रखना। और फिर बाबा अपनी शक्तियों से गुल्ली और सोन को ढूंढने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर ढूंढने के बाद बाबा को कुछ भी पता नहीं लगता है। फिर वो गुल्ली से बोलते हैं
मुझे गुल्ली और सोन का कुछ भी नहीं पता चल रहा है। बुल्ली बुल्ली बोलता है, बाबा हो सकता है कि वो दोनों जंगल में गए हुए हो, हमें एक बार जंगल में जाकर देख लेना चाहिए, आप जंगल की तरफ चलिए। ये सुनकर बाबा अपनी बाइक को 100 की स्पीड में जंगल की तरफ लेकर जाने लगते हैं। और इधर गुल्ली दोबारा ब्लेंडर मैन के पास आ चुका है और वो चारों तरफ से घिर चुके हैं। और तभी जेफ द किलर गुल्ली को एक लात मारकर गिरा देता है। गुल्ली दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। इसके बाद ब्लेंडर मैन बोलता है कि सही टाइम पर आए हो जेफ, अच्छा किया। तुम्हें अब क्या चाहिए जेफ, पहले तो तुम ये बताओ। ये सुनकर जेफ हंसते हंसते बोलता है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम एक मस्त सी पार्टी दे दो क्योंकि पार्टी किए हुए बहुत दिन हो चुके हैं। ब्लेंडर मैन बोलता है कि पार्टी तो मैं दे दूंगा लेकिन पार्टी में शराब और चखना के बिना मजा नहीं आएगा, जाओ तुम जाकर शराब और चखना लेकर आओ। जेफ द किलर बोलता है, शराब और चखना तो इस घर में ही होगा, इस आदमी से मांगता हूँ लेकिन पहले तुम इस मोटू का बिरयानी बनाओ, मुझे टेस्ट करना है। जेफ की बातें सुनकर ब्लेंडर मैन बोलता है, ठीक है बस इतनी सी ख्वाहिश है तेरी, मैं अभी इसे मार कर कीमा बिरयानी बनाता हूँ, तुम बस दारू ले आओ, अभी मैं इसे अपने पैरों से कुचलने जा रहा हूँ। इसके बाद ब्लेंडर मैन अपने पैरों से गुल्ली को कुचल देता है और हमें उसका खून देखने को मिलता है। तो क्या गुल्ली मर चुका है, अब वो हमारे स्टोरी में दोबारा कभी नहीं आने वाला? नहीं, असल में हुआ कुछ और है। जब ब्लेंडर मैन गुल्ली को कुचलने जा रहा था तो गुल्ली के चारों तरफ एक शील्ड बन जाता है और उसकी वजह से ब्लेंडर मैन का पैर फिसलता है और वो पानी में गिरकर बेहोश हो जाता है। और ये सब देखकर जेफ द किलर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ, और इस डेड बॉडी को भी कुछ आइडिया नहीं है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। और ये लोग एक लगातार गुल्ली की तरफ देख रहे होते हैं और तभी इन दोनों को किसी की बाइक की आवाज आने लगती है। तभी ये दोनों पहाड़ी की तरफ मुड़कर देखते हैं। अरे ये क्या, ये तो बाबा की बाइक है, तो इसका मतलब क्या बाबा यहाँ पर आ चुके हैं? लेकिन ये तो बाबा की बाइक पर गुल्ली आया हुआ है। और अगर बाबा गुल्ली के साथ नहीं है तो बाबा है कहाँ? गुल्ली को देखकर जेफ द किलर बोलता है, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने आए हो? मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, तुम यहाँ से जिंदा वापस लौट जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुनकर गुल्ली बोलता है, मैं गुल्ली का भाई हूँ, तुम मुझे मार सकते हो तो मार लेना लेकिन जरा पीछे तो देखो, तब तुम्हें पता चलेगा। इसके बाद जेफ द किलर अपने पीछे देखने लगता है लेकिन उसके पीछे कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर वो बोलता है, मुझे तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो, कहीं वो डर के मारे भाग तो नहीं गया? ये सुनकर बुल्ली बोलता है, अबे गधे तू अपने पीछे नहीं बल्कि मेरे पीछे देख। ये सुनकर जेफ को गुस्सा आ जाता है और वो बुल्ली की तरफ मुड़ता है और बोलता है, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, लगता है कि तुम्हारा दोस्त डर के मारे भाग गया है, लेकिन मैं नहीं भागूंगा, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ तुम। ये सुनकर बुल्ली बोला, ठीक है मार लेना तुम, लेकिन जरा ध्यान से ऊपर तो देखो, फिर पता चलेगा कि कौन है बाप और कौन है बेटा। और टेंशन नहीं है कोई बात, क्योंकि आ गया है तुम्हारा बाप। और तभी जेफ द किलर को कुछ दिखाई देता है और बोलता है, ये कौन है, देखने में तो बड़ा मस्त दिख रहा है। अरे ये क्या, बाबा तो यहाँ पर आ भी चुके हैं, अब लगता है कि बाबा जेफ द किलर और ब्लेंडर मैन और उस डेड बॉडी को नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि बाबा का सुपर एसटी मोड पहले से ही ऑन हो चुका है। बाबा थोड़ी देर तक तो जेफ की तरफ देखते रहते हैं लेकिन उसके बाद अचानक से बाबा जेफ की ओर भागने लग जाते हैं। अब लगता है कि बाबा जेफ का काम पहले तमाम करेंगे। तभी बाबा एक ऊंची छलांग लगाते हैं और सीधे जेफ के ऊपर आकर उसे एक ही बार में मार कर ढेर कर देते हैं। बाबा की मार खाते ही जेफ द किलर वहीं पर बेहोश हो जाता है।
इसके बाद बाबा उठकर खड़े हो जाते हैं और उस डेड बॉडी जो कि शायद उस सेलर की है उसको गुस्से से घूरने लगते हैं। और अब से मैं इसे सेलर का नाम देता हूँ, तो अब से मैं इसे सेलर ही बुलाऊंगा। और वो सेलर भी बाबा को ही देख रहा होता है। इसके बाद वो सेलर बाबा से बोलता है कि तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम जेफ द किलर को मार के बड़े 30 मार खा मत बनो। जब तुम मुझसे लड़ोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या चीज हूँ। लेकिन जब बाबा उसकी बातें सुनकर नहीं भागते तो उस सेलर को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो बाबा को लास्ट वार्निंग देता है कि अब तुम यहाँ से नहीं भागे हो, अब इसका अंजाम तुम्हें चुकाना पड़ेगा, तैयार हो जाओ मरने के लिए। इसके बाद वो सेलर बाबा पे हमला करने के लिए छलांग लगा देता है और बाबा भी ये देखकर कहाँ रुकने वाले थे, उनको भी ज्यादा गुस्सा आने लगा और वो भी छलांग लगा देते हैं। बाबा उसे हवा में ही एक थप्पड़ लगा देते हैं के बाद बाबा उसे जमीन पे पटक देते हैं। इसके बाद वो सेलर बेहोश हो जाता है और बाबा उसे देख रहे होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ शॉन को भी होश आने लगा है और वो उठकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद शॉन अपने सामने बुल्ली को देखता है और शॉन बुल्ली के पास भागकर जाने लगता है। बुल्ली के पास आते ही शॉन बुल्ली से बातें करने लगता है और इधर उस सेलर को भी होश आने लगता है और वो उठकर बैठ जाता है और वो अजीब तरीके से हिलने लगता है। ये देखकर बाबा को गुस्सा आने लगता है। इसके बाद बाबा उसके पास जाते हैं और उसे उठाकर हवा में ले जाते हैं। बाबा उसकी हवा में ही घंटी बजा देते हैं। इसके बाद बाबा उसे घुमाते हैं और जमीन में लाकर घुसा देते हैं। इसके बाद बाबा अपनी जीत का जश्न मनाने लगते हैं और बुल्ली और शॉन भी जश्न में शामिल हो जाते हैं। सबसे ज्यादा मजा शॉन को आया है, लेकिन तभी शॉन दूसरी तरफ देखता है और उसकी खुशी गम में बदल जाती है। आखिर इसने ऐसा क्या देख लिया। और बुल्ली भी उधर जैसे ही देखता है उसकी भी खुशी गम में बदल जाती है। अरे ये क्या, ये तो ब्लेंडर मैन है जो कि उठने की कोशिश कर रहा है, शायद इसे होश आने लगा है। और ये देखते ही शॉन बाबा को बताने लगता है कि बाबा वो देखिए वही है ब्लेंडर मैन जिसने मुझे मारा था और मैं बेहोश हो गया था और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और अभी वो उठने की कोशिश कर रहा है, बाबा उसे जलाकर ख़त्म कर दो। और ये सुनते ही बाबा ब्लेंडर मैन को देखने लगते हैं लेकिन उन्हें ब्लेंडर मैन दिखाई नहीं देता है। इसके बाद बाबा उसे देखने के लिए आगे जाते हैं और आगे आते ही उसे देखने लगते हैं। बाबा ब्लेंडर मैन को पहली बार देख रहे हैं और उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर कोई आदमी इतना बड़ा कैसे हो सकता है। और इधर ब्लेंडर मैन भी उठकर खड़ा हो जाता है और वो बाबा को देखकर चिढ़ने लग जाता है क्योंकि ब्लेंडर मैन को पता है कि बाबा ने ही उसके भाई सिलेंडर मैन को मारा था और अब ये इनसे बदला लेने वाला है। और बाबा भी इसे देखकर हैरान है क्योंकि ये दिखने में बिल्कुल सिलेंडर मैन जैसा है और बाबा को भी याद आ चुका है कि ये सिलेंडर मैन जैसा दिख रहा है। और इसके बाद ब्लेंडर मैन जोर से चिल्लाता है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद वो बगल में पड़ी नाव को उठाता है और अपने पास लाता है। वो जैसे ही नाव को अपने पास लाता है वो नाव से बाबा पर हमला करने लग जाता है। वो नाव को फेंक कर बाबा के ऊपर फेंकता है और इधर बाबा को भी समझ में आ चुका है कि वो कितना ताकतवर है। उसके बाद बाबा अपने आप को बचाने के लिए एक शील्ड बनाते हैं और वो शील्ड इतना मजबूत होता है कि वो नाव जैसे ही उस शील्ड से टकराता है वो चिकना चूर हो जाता है और उसके टुकड़े जमीन पर गायब हो जाते हैं। इसके बाद बाबा अपनी शील्ड को हटाते हैं बाबा की ये ताकत देखकर ब्लेंडर मैन चिढ़ने लग जाता है और वो दोबारा जोर से चिल्लाता है और बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसका गुस्सा अब सातवें आसमान पर पहुंच चुका है। इसके बाद ब्लेंडर मैन भी अपनी शक्तियों को इकट्ठा करने लग जाता है और वो अपनी शक्तियों को एक जगह इकट्ठा कर बाबा के ऊपर एक जोरदार लेजर बीम का हमला करता है। और बाबा भी ये देखकर समझ चुके हैं कि ब्लेंडर मैन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद बाबा भी अपनी शक्तियों को इकट्ठा करने लग जाते हैं और तभी बुल्ली और शॉन भी बाबा की तरफ देखते हैं लेकिन वो लोग डर जाते हैं, कहीं बाबा के साथ कुछ हो तो नहीं गया, आखिर ऐसा भी क्या हो गया। जिसे देखकर बुल्ली और शॉन डर चुके हैं।
अरे ये क्या, ये तो बाबा ने भी अपनी शक्तियों को एक्टिवेट कर लिया है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। लेकिन स्लेंडरमैन बाबा पर फिर भी भारी पड़ रहा होता है। इन दोनों की शक्तियों से बहुत ही जोरदार बिजली कड़क रही होती है और इससे पूरा भूकंप आ रहा होता है, क्योंकि ये शक्तियाँ काफी ज्यादा ताकतवर है और इन दोनों में कोई भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, चाहे वो स्लेंडरमैन हो या फिर बाबा। लेकिन तभी स्लेंडरमैन की शक्तियाँ थोड़ी कमजोर पड़ने लग जाती है, लेकिन इसके बाद स्लेंडरमैन और शक्तियाँ लगाता है, बाबा की शक्तियाँ कमजोर पड़ने लग जाती है और फिर से स्लेंडरमैन की शक्तियाँ कमजोर होती है और फिर से बाबा की होती है, ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन इन दोनों में कोई भी रुक नहीं है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है और ये बताना ना मुश्किल है कि कौन जीतेगा। लेकिन तभी बाबा अपनी पूरी शक्तियों को स्लेंडरमैन के ऊपर झोंक देते हैं, जिससे स्लेंडरमैन की शक्तियाँ कमजोर पड़ने लगती हैं और तभी देखते ही देखते उसकी शक्तियाँ काम करना बंद कर देती हैं और इसके बाद बाबा अपनी लेजर बीम से स्लेंडरमैन का सर उड़ा देते हैं और स्लेंडरमैन वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद बाबा अपनी लेजर की शक्तियों को वापस लेते हैं और उसे बंद कर देते हैं। और तभी गुल्ली को भी होश आने लगता है और वो उठकर खड़ा होने लगता है और उसका शील्ड भी हट जाता है। इसके बाद गुल्ली उठकर खड़ा हो जाता है और बाबा उससे देखने लगते हैं और गुल्ली भी बाबा को ही देख रहा होता है। इसके बाद बाबा गुल्ली से पूछते हैं कि गुल्ली क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा था और तुम लोग यहाँ पर कैसे फंसे। इसके बाद गुल्ली बाबा को सारी बात बताने लगता है कि किस तरह से इसे बायर का फोन आया था और ये और सोन यहाँ पर घर खरीदने के लिए, घर बेचने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही होने लगा। इससे पहले कि गुल्ली आगे की बातें बता पाता, जेफ द किलर को भी होश आने लगता है और वो भी उठकर खड़ा हो जाता है। लेकिन वो जैसे ही बाबा को देखता है वो वहाँ से धूम दबा के भागने लगता है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि बाबा कितने ज़्यादा खतरनाक है और कितने ज़्यादा पावरफुल भी है। जेफ द किलर अपनी धूम दबा कर जान बचा कर भाग रहा होता है कि किसी तरह उसकी जान बच जाए और बाबा भी ये देख लेते हैं। इसके बाद बाबा गुल्ली से बोलते हैं कि गुल्ली तुम बुल्ली और सोन तीनों जाकर गाड़ी का इंतजाम करो और गाड़ी को मेरे पास ले आना, मैं जा रहा हूँ उसे पकड़ने। इतना बोलकर बाबा जेफ का पीछा करने लग जाते हैं, लगता है कि बाबा जेफ को नहीं छोड़ने वाले। और इधर बुल्ली और सोन भी गुल्ली के पास आकर खड़े हो चुके हैं और बुल्ली अपनी गाड़ी को लाकर वहीं पर खड़ा कर दिया है और ये तीनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। लेकिन तभी बुल्ली बोलता है कि तुम लोग अब बातें करना बंद करो, अब चलो बाबा के पास, क्योंकि बाबा ने हमें बोला है कि उनके पास हमें गाड़ी लेकर जानी है, तो जल्दी चलो, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। और इधर बाबा भी जेफ के पास पहुंच चुके हैं। बाबा जैसे ही जेफ के थोड़े करीब पहुंचते हैं वो जेफ को एक जोरदार स्पीयर मार देते हैं, जिसकी वजह से जेफ वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद बाबा जेफ से बोलते हैं कि आज के बाद गुल्ली बुल्ली या किसी को भी मारने का कोशिश मत करना, वरना अंजाम बुरा होगा तेरा। इसके बाद ये सब लोग वहां से निकल जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई